उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पांचवा टॉपिक जिसका लास्ट बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम पॉइंट है आपके उभय पत्ते रोधक क्या होता है, बफर विलयन क्या होता है, मद्दा बफर विलयन किस प्रकार से प्रदर्शित करती है, उसकी क्या एप्लीकेशन है और क्या उसके गुणधर्म है। 3-4 पॉइंट अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो बेसिकली उभय प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं बफर विलयन या बफर, बफर का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में आपने डिस्कस भी किया था 11th क्लास में, आपने पढ़ा भी था विलयन वाले पार्ट में कि बफर विलयन भी होता है। ऐसा विलयन होता है जो पीएच परिवर्तित करके रहता है, प्रतिरोध करता है, अपने पीएच को परिवर्तित नहीं होने देता है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या परिवर्तन के क्या करते हैं विरुद्ध ही कार्य करना शुरू कर देते हैं वो कहलाते हैं बफर पदार्थ। और इन पदार्थों द्वारा जनरेट किए जाने विलयन क्या कहलाएंगे, बफर विलयन। तो अपन देखते हैं इनकी पीएच नॉर्मली अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच किसी भी प्रकार से कोई नहीं बदलती, परंतु अधिक क्वांटिटी मिलाने पर उनकी पीएच क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो अपन जानते हैं नॉर्मली बफर विलयन की परिभाषा प्रदान की है, बफर विलयन के प्रकार, और मेन टॉपिक बफर विलयन आपका नहीं है, आपका है मद्दा बफर विलयन का कार्य करती है उसको आपको समझना। परंतु बफर विलयन को समझना, बफर मद्दा को समझना, उसके लिए बफर विलयन को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक में इंटर करेंगे। देखिए उभय प्रतिरोधक के बफर्स क्या होते हैं, बफर वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की पीएस मान को परिवर्तित करने के लिए अम्ल व क्षार की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अम्ल व क्षार कैसी है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में मिलाने पर किसी प्रकार की पीएस परिवर्तित नहीं होती। सामान्य मात्रा में विलयन में अपने पीएस परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, सामान्य मात्रा में विलयन, सामान्य मात्रा में जो भी अगर अम्ल मिलाया क्षार मिलाया तो उससे पीएस परिवर्तन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पीएस परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या करता है उस क्रिया को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं, तथा पदार्थों के ऐसे गुणधर्म को उभय प्रतिरोधी विलयन के नाम से जाना जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो अम्लीय बफर विलयन और एक हो जाएगा क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार को मिलाकर बनाया जाता है, और सारी होगा उसमें दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाकर बनाया जाता है। तो अपन देखेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, और अपन को मद्दा किस प्रकार से बफर विलयन का रोल निभाती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो जैसे अम्लीय बफर विलयन की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे अपन, प्रबल तो अम्ल लेना और दुर्बल क्या लेना आपको, सार, दुर्बल क्या पदार्थ लेना है, सारी पदार्थ, तो उनको आपने इंटरमिक्सिंग करवाई और रिएक्शन करवाने के बाद में जो आपके बनेगा वो क्या बनेगा, प्रबल सार व दुर्बल अम्ल के रूप में आप देखोगे। तो उदाहरण के रूप में इसका क्या अपन पेश कर रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल बेसिस को आपको बफर विलयन के रूप में तैयार करना कंपाउंड को, तो इसमें क्या होगा अम्लीय प्रवृत्ति होगी, विलयन की प्रवृत्ति क्या होगी अम्लीय, और फिर बाद में दुर्बल सार है कम मात्रा में मिलाने पर अम्ल सार उसकी पीएच परिवर्तित नहीं होगी। एग्जाम्पल इसको बनाने के लिए दुर्बल प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल सार, इन दोनों को आपने मान लो मिला दिया, तब जाके आपने क्या बनेगा अम्लीय विलयन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है अम्लीय विलयन जनरेट हो जाता है। फिर बाद में इसका एग्जाम्पल के बेस में जैसे HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सार दुर्बल, इनको मिलाओगे तब आपका लवण क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, सॉरी अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O NaCl दुर्बल आ गया, ये हो जाएगा आपके अमोनियम। अब जो ये वाला विलयन बन रखा है
इसमें आपके विलयन की प्रॉपर्टी आप देखोगे तो प्रॉपर्टी देखने पर इसके विलयन की प्रकृति कैसे मिलेगी, इसमें आपने क्या मिला रखा है, प्रबल अम्ल मिला रखा है। क्या मिला रखा है? प्रबल अम्ल मिला रखा है। तो अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने की गुणधर्म व्यक्त करेगी। जबकि सार में क्या होगा, प्रबल सार होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो इसमें देखोगे जैसे प्रीपोजिशन की बनानी आपको, तो क्या लेंगे आप, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल सार, इनको अपन इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे एसिडिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल होता है। एसिडिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ में, प्रबल एनएस के साथ, प्रबल सार के रूप में एनएस ले रखा है। तब आपके लवण बनेगा, और साथ में ये लवण क्या हो जाएगा आपका, अमोन सोडियम एसिटेट। तो वो अपनी प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगा, वो प्रॉपर्टी कैसे दर्शाएगा, सारी प्रॉपर्टी कैसे दर्शाएगा, सारी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अम्लीय बफर विलयन बनाना है या सारी बफर विलयन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें पदार्थों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद में जो बनने वाला पदार्थ होता है उसकी प्रकृति के आधार पर विलयन की पीएच ज्ञात होती है। तो ये तो आपके 11th क्लास में टॉपिक था, उसको अपन डिस्कस किया है। अभी अपना 12th क्लास का टॉपिक है, वो है आपके मर्दा बफर विलयन में किस प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बफर विलयन पर आधारित और कुछ गुणधर्म दे रखे हैं उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में अपने टॉपिक में एंटर करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा देखिए। देखिए अपन बात कर रहे हैं बेसिकली बफर विलयन के क्या गुण होते हैं और बफर विलयन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और मर्दा बफर विलयन की किस प्रकार से भूमिका निभाती है, उसको भी अपन उस पर अदर भी अपन डिस्कस करेंगे। बफर विलयन किसे कहते हैं, इसका आपको निकलस करवा दिया कि ऐसा विलयन जो पीएच परिवर्तन का क्या विरोध करता है, अर्थात उनके पीएच परिवर्तन के लिए अधिक अम्ल या क्षार की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि बफर विलयन के क्या गुण होते हैं, इनकी पीएच निश्चित बनी रहती है लंबे समय तक, इसकी पीएच क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। पीएच क्या रहेगी, निश्चित, अर्थात उनके से अपरिवर्तित। बफर विलयन की पीएच अधिक समय तक स्थिर रहती है, साथ ही तनुता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तनुता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तनुता का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन करना। कोई भी आपने पदार्थ ले रखा है, जैसे आपने 1 लीटर पहले जल ले रखा था, 1 लीटर क्या ले रखा है, जल ले रखा है, इसमें आपने 1 लीटर जल आपने ले रखा था बीकर में, और उसमें क्या मिलाते हैं आप, 200 ml मान लीजिए आपने क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। क्या मिला दिया, 200 ml दूध। अभी तक दूध का अवशेष उसको आपको दिख रहा है, दूध एकदम पतला तो रहेगा परंतु अभी तक अवशेष दिख रहा है। फिर और इसको तनु कर रहे हैं, आपने 200 मिले 1 लीटर में मिले हैं, फिर भी और इसमें आप क्या मिला रहे, पानी मिला रहे, और आपने 1 लीटर को पानी मिला दिया, तो फिर क्या दूध का अवशेष आपको दिखेगा, तो ओनली फॉर आपको वाइट वाइट परत के रूप में दिखेगा, कोई उसमें दूध का टेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं रहता है, और क्या हो जाता है, एकदम पतला आप पारदर्शी हो जाता है, बहुत तनु हो जाता है, पतला विलय जिसमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम मात्रा में, विलय अधिक मात्रा में होता है, जबकि विलय बहुत नगण्य की तुलना में होता है। तब आपके कंपाउंड द्वारा इस प्रकार से जनरेट होने वाला सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तनु सॉल्यूशन होता है। सांद्र में विलय की मात्रा अधिक होती है और तनु में विलय की मात्रा कम होती है। दिमाग बात रहे, भूलना नहीं कि पहले से आपने जो सॉल्यूशन रखा है उसमें और पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा।
पतला होने के कारण आपके तनु, तो बफर विलयन पीएस परिवर्तित आप देखते हो तो कितना भी सॉल्यूशन को आप तनु करते जाओगे तो भी उनकी पीएस परिवर्तित नहीं होगी। ये इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है, दिमाग में बात रही। अब मृदा में उपयुक्त प्रतिरोधकता किस प्रकार से पाई जाती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मृदा भी एक प्रकार का बफर गुण प्रदर्शित करने के कार्य करती है, गुण दर्शाती है, बफर गुण मतलब बफर विलयन मतलब प्रतिरोधक का गुण ये भी दर्शाती है। मृदा पीएस में परिवर्तन लाने के लिए मृदा में निलंबन में उपस्थित एच प्लस आयन और ओएच आयन की मात्रा के कारण अधिक अम्ल या अधिक सार की आवश्यकता होती है। मान लो मृदा की पीएस आपको क्या करनी है, परिवर्तित करनी है, बदलनी है, मृदा पीएस को आपको बदलना है तो उसके लिए मृदा निलंबन में उपस्थित एच प्लस आयन और ओएच आयन के कारण इसमें अधिक अम्ल और सार को मिलाना पड़ता है। इस चीज को आपने पढ़ाई मृदा में आप जानते हो दो प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, धनायन और ऋणायन। ऋणायन का क्या कार्य होता है, धनायन का क्या कार्य होता है, तो आयन वाले पार्ट में आपने डिस्कस पूरे विस्तार रूप से किया था। तो ये इन आयनों की उपस्थिति का अधिक अम्ल और सार को मिलाना पड़ता है। ये देखा गया इसमें मृदा में दुर्बल अम्ल और उनके लवणों के प्रभाव के कारण वह उभयद्रव्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। मृदा की बफर क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल के विघटन द्वारा समझाया जा सकता है, एक कोलाइडी पदार्थ के विघटन द्वारा इसको समझाया जाता है। जैसे अधिशोषित एल्यूमिनियम या एच प्लस आयन है अम्लीय मृदा, कैसे है अम्लीय मृदा, वो निश्चित मात्रा में पहले से अम्ल है, फिर उसको क्या करते हैं मृदा विलयन बनाते, पानी के साथ में उसको क्या करते हैं घोलते हैं, पानी के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, घोलने का प्रयास करते हैं, तो मृदा क्या करेगी मृदा विलयन बन जाएगी। तो उसमें भी एच प्लस आयन वो एल्यूमिनियम आयन वैसे क्या होंगे प्रेजेंट रहेंगे, क्या पानी में घोलने पर एल्यूमिनियम आयन या हाइड्रोजन आयन पास ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो पहले यहाँ पे अधिशोषित थे, अब उस पानी के साथ में क्या सक्रिय हो तो भी ये सक्रिय अम्ल के रूप में एच प्लस आयन और एल्यूमिनियम आयन उनकी भूमिका निभाने का कार्य करता है। अर्थात मृदा में जैसे आपके मृदा में पहले अधिशोषित आयन थे वो वैसे वैसे अपने गुणधर्म प्रदर्शित करते रहते हैं। तो आपने देखा कि अब मृदा विलयन बनाने के उपरांत भी एच प्लस आयन और एल्यूमिनियम आयन ऐसे कैसे मृदा में दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे तो मृदा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, एच प्लस आयन को उदासीन करने के लिए अपने मिलाते थे सारे पदार्थ, सोना पत्थर, क्या मिलाते हैं सोना पत्थर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको आप अधिक मात्रा में मिलाने पर मृदा क्या होती है न्यूट्रलाइज होती है, उदासीन होती है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस देखा। तो आप जानते हो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दुर्बल अम्ल होते हैं वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, प्रबल अम्ल होते हैं वो जल्दी से एच प्लस आयन प्रदान करते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल होते हैं वो एच प्लस आयन आसानी से प्रदान नहीं करने के कारण एच प्लस अधिशोषित उन पर कुछ मात्रा में अंशित रह जाता है, इसी की वजह से वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो पाते हैं, और पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होने के कारण अपने सामान्य गुणधर्म अम्लीयता को मृदा विलयन बनाने के उपरांत भी प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अब मान लो मृदा अम्लीय है, मृदा कैसी है अम्लीय, तो अम्लीय मृदा को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोना पत्थर मिलाते हैं, और सारी मृदा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाते हैं जिप्सम मिलाते हैं। दिमाग बात रहेगी अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए, दिमाग की बात रहे क्या लिखा अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए क्या मिलाते हैं सोना पत्थर। जबकि सारी मृदा के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, किसका जिप्सम। आपके बाद दिमाग में ऐसे आपके अगले वाले छठा पाठ आएगा उसमें विस्तार रूप से मैटर आएगा, फिर भी मतलब एक बात दिमाग में होना अनिवार्य है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने मैटर को आगे देखिए। अपन बात कर रहे हैं मृदा प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, पहले मृदा प्रतिरोधक होता क्या है उसके बारे में आपने स्टडी की, क्या उसके गुणधर्म होते हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टी होती, उसको आपने डिस्कस किया। अभी मृदा प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, मतलब जैसे आपने कैटायन एक्शन कैपेसिटी पढ़ी थी वैसे वैसे क्या है मृदा उभयधर्म प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बफरिंग क्षमता कितनी, कोई भी सॉल्यूशन की बफरिंग क्षमता कितनी होती है उस पर आधारित अपन परिघटना स्टडी कर रहे हैं। तो मृदा में अम्ल या सार मिलाने से उसके पीएच मान में भी परिवर्तित होता हुआ दिखाया जाता है कि उसके पीएच मान भी परिवर्तित होते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं मृदा अम्ल और सार दोनों के साथ क्रिया करती है, अम्ल और सार दोनों के साथ में रिएक्शन दर्शाने का कार्य भी मृदा करती है। अतः मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, उभयधर्मी प्रकृति की मृदा होती है, अर्थात मृदा की पीएच कितनी होती है, जनरली मृदा की सामान्य पीएच के बारे में आपको बताया, कल वाला वीडियो आपके रिलीज हुआ उसमें आपको मैंने बताया कि मृदा की पीएच सामान्य कितनी होती है 7, अर्थात अपन कह सकते हैं मृदा कैसे होती है 10 प्रकृति की। और कोई अमल मिले अमल के साथ में क्रिया कर लेगी और सार मिले तो सार के साथ में क्रिया करके अपनी प्रॉपर्टी के मतलब सेंस कर लेती है, इसी आधार पर तब इसको क्या बोलते हैं मृदा एक उभयधर्मी प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है, अर्थात अमल और सार दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप जानते हो उभयधर्मी क्यों कहा गया है कि आप देखते हो कि मृदा में H+ भी आयन है और OH आयन भी है, इन दोनों आयनों की वजह से मृदा उभयधर्मी प्रॉपर्टी होती है, जब आवश्यकता होती है उसके अनुकूल H+ आयन या OH आयन प्रदान करके मृदा अपनी प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, बदल सकती है, दोनों को व्यवहार प्रदर्शित करने के गुणधर्म रखती है, तब इसको बोलते हैं अपन उभयधर्मी प्रकृति की मृदा होती है। अगला बिंदु अपन ने लिखा है मृदा की उभयधर्मी प्रतिरोधक क्षमता कोलाइडिंग पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर मृदा की उभयधर्मी प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात अपने कहा है कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कोलाइडिंग पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है, किस पर, कोलाइडिंग पदार्थ कितनी मात्रा में आपने मिला रखा है, क्या क्वांटिटी है, उसके आधार पर इसमें गुणधर्म देखने को मिलेगा। अगला बिंदु आप देख रहे हो मृदा में ह्यूमस व मृत्तिका की मात्रा बफर कैपेसिटी की क्या होती है, समानुपाती, जितनी आपके ह्यूमस जितनी मृदा में किसकी मात्रा ह्यूमस की मात्रा व मृत्तिका की मात्रा अधिक होगी उतनी उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, हायर होगी। अगला बिंदु है मृदा की धनायनी ह्यूमस क्षमता जितनी उच्च होगी उतनी बफरिंग सॉल्यूशन बनाने की क्षमता भी क्या होगी, हायर होती है। एक बार पुनः इसको मैं पढ़ा रहा हूं, मृदा में अम्ल या सार मिलाने से उसके पीएच मान में परिवर्तित होते हैं, अर्थात हम बोले मृदा अम्ल और सार दोनों के साथ क्रिया करती है, अतः मृदा उभयधर्मी प्रकृति की होती है। मृदा की सामान्य पीएच 7 होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है 10 है, उभयधर्मी क्यों कहा गया कि मृदा में H+ आयन और OH आयन दोनों उपस्थित है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग H+ आयन भी दे सकता है OH आयन भी प्रदान कर सकता है। आगे देखते हैं अपन मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता को कोलाइडिंग पदार्थों के मिश्रण पर निर्भर करती है, कितनी मात्रा कोलाइडिंग पदार्थ उपस्थित है उसके अकॉर्डिंग इसकी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। मृदा में ह्यूमस और मृत्तिका की मात्रा बढ़ेगी उतनी बफरिंग कैपेसिटी मृदा की अवधि बढ़ती है, कहते हैं एक्शन कैपेसिटी के समानुपाती होती है बफरिंग कैपेसिटी, या फिर बात दिमाग रहेगी। अगला बिंदु आपके उभय प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, उभय प्रतिरोधक क्षमता के क्या एप्लीकेशन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं आप जनरली उभय प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है कि मृदा के क्या क्या महत्व है, आपने परिभाषा भी पढ़ी है सारे सारे एप्लीकेशन भी देख ली, तो फिर आप देखते हैं मृदा उभयधर्मी होती है या उभय प्रतिरोधक क्षमता को निरूपित करती है इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या इसका महत्व है, तो इसमें दो महत्व आपके दे रखा है, एक तो पीएस मृदा पीएस का स्थायीकरण रहना और दूसरा मृदा सुधारकों की आवश्यकता की मात्रा का ध्यान रहना। दोनों को आप देखोगे तो दोनों में दे रखा है, लैंग्वेज के रूप में तो दो लेन है, मैं स्टडी कर लेता हूँ,
और बाकी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दो ये एप्लीकेशन आप ध्यान रखना, दो रिप्रेजेंट आप करोगे। देखिए फर्स्ट मेरे पे मद्दा पीएस का स्थायी ध्रुवीकरण, मद्दा पीएस को अनावश्यक परिवर्तन मद्दा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति पर भी पड़ता है। यदि पीएस अधिक परिवर्तित होता है तो पेड़ पौधों को सूक्ष्म जीवों को बड़ी हानि पहुंचती है और उपयुक्त गर्मी में क्या होती है कठिनाई उत्पन्न हो जाती। जितनी मद्दा में पीएस परिवर्तित होती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी प्रकार के पोषक तत्व एवं पौधों पर प्रभाव देखने को मिलता है। अधिक पीएस होने पर सभी प्रकार के पोषक तत्व एवं पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसको आपने पीएस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, पीएस का क्या महत्व, उसमें आपने विस्तार रूप से अध्ययन कर रखा है। अगला बिंदु दे रखा है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। अपन देखते हैं जितनी मृदा की उपज प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके अनुसार उसमें मिलाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की यूरिया वीरिया खाद को अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें मिलाए जाते हैं। मृदा की उपज प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने पर पीएस परिवर्तन के लिए उतनी अधिक सोना पत्र या गंधक की आवश्यकता होती है। दिए जाने वाले सोना पत्र की निश्चित मात्रा करने के लिए मृदा में ये जानना आवश्यक है कि कार्बनिक पदार्थ है उसकी बनावट को ध्यान में रखते हुए मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया कि ये था आपका पांचवा पार्ट, पांचवा पार्ट को आपने रिकवर किया और रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, मैटर को घर बैठ के व्यवस्थित शॉर्ट नोट्स बनाओगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो, ताकि बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं कल पीडीएफ भी इस पार्ट का मैं आपको सेंड कर लूँगा ताकि किसी भी प्रकार को कन्फ्यूजन या समझ में मैटर नहीं आया हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उसका सोल्यूशन निकालें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। कल अपने पार्ट शुरू करेंगे सट्टा पार्ट। अभी तक आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से लगभग 18 नंबर का मैटर मैंने अपडेट करवा दिया। पांच पार्ट अपने पढ़े, कितने पांच पार्टों को अपने डिस्कस किया है, पांचों पार्टों को एक बार दोहराएं, उसके नोट्स बनाएं, व्यवस्थित घर बैठ के पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।